हेलो स्टूडेंट्स हेर आई कोमल शर्मा वेलकम्स यू ऑल एट योर ओन स्कूल स्ट्रीट्स तो जैसा कि अपना चैप्टर चल रहा था दैट इज़ लॉन्ग वॉक फॉर फ्रीडम लॉन्ग वॉक फॉर फ्रीडम इज़ रिटन बाय नेल्सन मंडेला नेल्सन मंडेला जो कि प्रेसिडेंट फॉर्मर प्रेसिडेंट रह चुके हैं ऑफ साउथ अफ्रीका तो इस परटिकुलर चैप्टर में जैसा कि अपन ने अपने फॉर्मर वीडियो में पढ़ा था कि उन्होंने अपनी लाइफ का वो मोमेंट शेयर किया है जब वो प्रेसिडेंट बने और एज ए प्रेसिडेंट जब उन्होंने शपथ ग्रहण करी तो वो जो शपथ ग्रहण करने वाला जो मोमेंट था वो इन्होंने इस चैप्टर के थ्रू अपने सामने रिप्रेजेंट किया है तो अब तक मैंने जो डिटेल आउट किया है इन अर्लियर वीडियो आपने अभी तक अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले जो इसका पार्ट वन है उसे जाके देखें चैप्टर का जो फॉर्मर पोर्शन है उसे समझने की कोशिश करें उसके बाद में ही आप इस वीडियो के साथ मूव हो सकेंगे ऑल राइट दैन सो आज का अपना जो सेकेंड पोर्शन है वो अभी मैं शुरू करने जा रही हूँ तो नेल्सन मंडेला जो कि एज ए प्रेसिडेंट स्टेज पे खड़े हुए हैं और जहाँ पूरी पब्लिक के सामने पूरी पब्लिक को वो एड्रेस कर रहे हैं ठीक है तो अब आगे देखते हैं उन्होंने अपने स्पीच में अपने पर्टिकुलर एक्सपीरियंस में आ, कैसा फील किया और क्या क्या उन्होंने वहाँ की सीनरी के बारे में यहाँ पे डिटेल आउट किया है ठीक है

ठीक है तो वहाँ का अभी का जो सीन है वो कैसा है जो भी जेट्स हैं साउथ अफ्रीका अफ्रीकन जो आर्मी है वहाँ की जेट्स हैं हेलीकॉप्टर्स हैं और ट्रूप्स हैं वो चारों तरफ घूम रहे हैं उस बिल्डिंग के ऊपर चारों तरफ घूम रहे हैं एक ऐसी पिक्चर क्रिएट कर रहे हैं जिससे कि पूरे वहाँ के जो भी पब्लिक है या पूरे नेशन को एक प्राउड फीलिंग आ रही थी ठीक है और वो एक ओ मतलब एक शॉकिंग नहीं कह सकते हम इस चीज़ को सरप्राइज वे में वो ऊपर की तरफ देख रहे थे वो जिस तरीके से परफॉर्म कर रहे थे जो भी जेट्स थे हेलीकॉप्टर थे ट्रूप्स थे और साउथ अफ्रीका तो इस तरीके से एक बहुत ही ऑफुल एक बहुत ही सरप्राइजिंग सीनरी क्रिएट हो रही थी अबाव द बिल्डिंग ऑफ यूनियन बिल्डिंग्स और राइट इट वॉज़ नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रोसीजन एंड मिलट्री फोर्स ये सिर्फ एक कोई डिस्प्ले नहीं था मिलिट्री फोर्स का कोई डिस्प्ले नहीं था बट अ डैमोंस्ट्रेशन लेकिन एक डेमो demo था डैमोन्स्ट्रेशन था ऑफ द मिलिट्रीज लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी ये कोई डिस्प्ले नहीं था जो भी हेलीकॉप्टर्स जेट्स वहाँ पे अपना परफॉर्मेंस दे रहे थे ये कोई डिस्प्ले नहीं था बल्कि एक डेमो था वहाँ की जो साउथ अफ्रीकन मिलिट्री है उसकी लॉयल्टी का जो डेमोक्रेसी के लिए जो उनकी लॉयल्टी थी साउथ अफ्रीकन आर्मी की वो ही उस उस सीन के थ्रू प्रेजेंट कर रहे थे वहाँ पे ठीक है टू अ न्यू गवर्नमेंट दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड उस गवर्नमेंट के लिए जो उनका डेडिकेशन था लॉयल्टी थी जो फेयर और ट्रू डिटर्मिनेशन था वो उन सारे हेलीकॉप्टर्स जैट्स और ट्रूप्स जो भी वहाँ पे घूम रहे थे अबाउट द यूनियन बिल्डिंग वो उसके थ्रू शो हो रहे थे ओनली मोमेंट्स बिफोर अब वो क्या करते हैं थोड़ा सा यहाँ पे फ्लैशबैक का उन्होंने यूज़ uh, किया है वो थोड़ी से अपनी मेमरी पास्ट में जाते हैं नेल्सन मंडेला ओनली मूवेंट्स बिफोर कुछ टाइम पहले दी हाइएस्ट जनरल्स ऑफ साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स एंड पुलिस देर चेस्ट डेडेक्ट विद रिबंस एंड मेडल्स फ्राम डेज गॉन बाय सेल्यूटेड मी एंड प्लेज प्लेज देअ लॉयल्टी अब वो बोलते हैं ओनली मूमेंट्स बिफोर मतलब कुछ ही मूमेंट पहले कुछ ही मूमेंट पहले मतलब अभी उन्होंने एज ए प्रेसिडेंट जो नेल्सन मंडेला शपथ ले रहे हैं उससे कुछ मोमेंट पहले क्या था वहाँ की आर्मी के जो हाईएस्ट जनरल थे साउथ अफ्रीका की जो डिफेंस फोर्स और पुलिस के जो हाईएस्ट जनरल्स थे जो कि अभी उनकी चेस्ट जो है वो डेकोरेटेड है रिबन्स के साथ मेडल्स के साथ ठीक है फ्रॉम डेज बाई गॉन्टेड मी एंड प्लेज डेयर लॉयल्टी उन्होंने अपनी लॉयल्टी की प्लेज ली थी एज दी हाइस्ट जर्नरल ऑफ साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स एंड पुलिस ठीक है आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट दैट नॉट सो मैनी ईयर्स बिफोर दे वुड नाट हैव सल्यूटेड बट अरेस्टेड मी अब उनको अपने कुछ टाइम पहले की बात याद आती वो क्या बोलते हैं कि मैं अनकॉन्शियस नहीं हूँ मैं अभी भी कॉन्शियस हूँ आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल आई वॉज नॉट अनकॉन्शियस आई वॉज कॉन्शियस ऑफ द फैक्ट दैट कुछ ही ईयर्स पहले कुछ ही साल पहले ये जो जनरल से जो आर्मी और पुलिस है साउथ अफ्रीका उन्होंने मुझे सल्यूट करने के बजाय मुझे अरेस्ट किया था वो भी उन्हें याद है फाइनली है शवान ऑफ़ एम्पाला फाइनली अ शवान ऑफ एम्पाला जेट्स लेफ्ट स्मोक ट्रेल ऑफ द ब्लैक रेड ग्रीन ब्लू एंड गोल्ड ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग तो अब क्या था आसमान में एक बहुत ही ब्यूटीफुल सीनरी क्रिएट हुई थी जो भी जेट था उन्होंने एक वी शेप में बहुत ही ब्यूटीफुल पिक्चर वहाँ पे क्रिएट की थी विद द स्मोक ठीक है और वो स्मोक में जो कलर्स थे वो ब्लैक कलर था रेड कलर था ग्रीन था ब्लू था गोल्ड था ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग आपने अभी का जो साउथ अफ्रीकन फ्लैग देखा होगा इसमें ऑलमोस्ट ये सारे कलर्स हैं तो वो सारे कलर्स उनको स्काई में देखने को आसमान में देखने को मिला और एक बहुत ब्यूटीफुल वी पिक्चर क्रिएट करी वहाँ पे, ठीक है तो आप सोच सकते हैं आप इमेजिन कर सकते हैं कि अभी किस तरीके की सीनरी चल रही होगी वहाँ पर द डे वॉज सिम्बलाइज फॉर मी By the playing of our two national anthems, अब ये जो दे था वो symbolized था क्योंकि वहाँ पे दो national anthems आ play हुए थे, दो national anthem एक तो before democratic party establishment मतलब आ before freedom freedom से पहले का और freedom के बाद का मतलब republic और democratic दोनों national anthems वहाँ पे चले थे, and the vision of whites singing नकोशी शिकेले के लिए अफ्रीका एंड ब्लैक सिंगिंग डाई स्टैम तो ये दो इनके नेशनल एंथम हैं वाइट्स और ब्लैक्स दोनों के वो अपनी अपनी रेसेस के अकॉर्डिंग वहाँ पे नेशनल एंथम जो भी उनका प्ले हुआ था हो चुका था द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक ऑल दो द ओल्ड एंथम ऑफ रिपब्लिक फॉर ब्लैक्स एंड द न्यू एंथम न्यू एंथम एंड ओल्ड एंथम दोनों वहाँ पे प्ले आउट हुए थे ऑल दो दैट दे नीदर ग्रुप न्यू द लिरिक्स ऑफ द एंथम दे वान्स डिसपाइज दे वुड सो नो द वर्ड्स बाय हार्ट अब वो जो लोग थे वहाँ के क्योंकि अब वहाँ की कोई रेशियल डिस्क्रिमिनेशन नहीं था द ओल पीपल गॉट द इक्वालिटी सारे लोगों को एक जैसे इक्वालिटी मिली थी डेमोक्रेटिक पार्टी इस्टेब्लिश हुई थी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी तो वहाँ पे आपको डिस्क्रिमिनेशन नहीं था कुछ डिफरेंस नहीं था लेकिन फिर भी दो एंथम्स थे अब वो उन एंथम्स की एग्जैक्टली उनको नहीं पता है कि वहाँ पे एंथम में क्या बोला जा रहा है वो जस्ट फील कर रहे थे बाय हार्ट अपने नेशन की जो अभी प्राउड मोमेंट था सिर्फ उसको फील कर रहे थे ठीक है ऑन द डे ऑफ इनागोरेशन आई वॉज़ ओवर ब्लेम्ड विद द सेंस ऑफ हिस्ट्री अब इस टाइम पे इनोग्रेशन के टाइम पे जो नेल्सन मंडेला थे वो ओवर ब्लेम होते हैं विद अ सेंस ऑफ हिस्ट्री अब उनको हिस्टोरिकल अपने पास इवेंट्स की याद आती है इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ ट्वेंटी सेंचुरी अ फ्यू ईयर्स आफ्टर द बिटर एंग्लो बॉ वॉर एंड बिफोर माई ओन बर्थ द वाइट स्किन पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका पैच अप द डिफ्रेंसेस एंड एरैक्टेड सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन अगेंस्ट द डार्क स्किन पीपल्स ऑफ दर ऊन लैंड अब एक्जैक्टली क्या हुआ है उनको अपने पास हिस्ट्री के बारे में याद आता है जब बॉर वॉर हुआ था बॉर वॉर होने के बाद जो साउथ अफ्रीका के ही वाइट स्किन लोग थे वो वहाँ के जो डोमिने जो डोमिनेट करने आए हुए थे बाहर से एक्सटर्नल्स जो थे उनके साथ मिलकर जो वहाँ के ब्लैक स्किन लोग थे उनको सप्रेस करने की कोशिश कर रहे थे ट्वेंटी अर्ली ट्वेंटी सेंचुरी की बात बता रहे जब एंग्लो वॉर वॉर हुआ था उसके बाद जो वहाँ के वाइट स्किन लोग थे वो एक्सटर्नल्स के साथ मिलके उन्होंने वहीं के लोगों को वहीं के जो डार्क स्किन लोग थे उनको सप्रेस करने की कोशिश की थी और एक ऐसा सिस्टम एडाक्ट किया था जिसमें रेशियल डिस्क्रमिनेशन शुरू हो चुका था ठीक है द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म्ड द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्सेस्ट मोस्ट इन्यूमन सोसाइटीज़ द वर्ल्ड हैज़ एवर नॉन और उन्होंने जो सिस्टम क्रिएट किया था जो स्ट्रक्चर क्रिएट किया था वो इतना ज़्यादा हारसेस्ट था और इनह्यूमन था जो कि आज तक किसी भी वल्ड आज तक इस वर्ल्ड की किसी भी सोसाइटी में ऐसा सिस्टम नहीं बना है तो आप इमेजिन कर सकते हो कितना क्रोअल सिस्टम रहा होगा जो वहाँ के नेटिव लोग थे वही वहाँ के नेटिव लोगों को सप्रेस करने की कोशिश कर रहे थे जस्ट बिकॉज ऑफ देयर ब्लैक स्किननेस प्लस वो एक्सटर्नल्स के साथ मिलके उन उन्होंने अपनी सारी चीज़ें पार कर दी थी अपनी लिमिट्स क्रॉस कर दी थी क्रुएल्टी की हदें पार गई थी इन हो चुके थे वो लोग हारसेस्ट सोसाइटी का नाम दिया गया था हारसेस्ट सिस्टम uh, और हार्स hars, क्रिएशन का नाम दिया गया है इसको ठीक है नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ़ ट्वेंटियथ सेंचुरी एंड माई ओन एथ डिकेड एज अ मैन दैट सिस्टम हैड बीन ओवर टर्न फॉर एवर एंड रिप्लेस बाय वन दैट रिकगनाइज द राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ ऑल पीपल रिगार्डलेस ऑफ द कलर्स ऑफ देयर स्किन अब जो सिस्टम स्टैब्लिश हुआ है अब जो सिस्टम आफ्टर गेटिंग द फ्रीडम जो सिस्टम स्टेब्लिश हुआ है और इस सिस्टम ने पुराने वाले जो डिस्क्रिमिनेटिव सिस्टम था उसको रिप्लेस किया है तो अब यहाँ के जो लोग हैं जो बहुत सारे कलर्ड पीपल्स हैं ठीक है हर कलर के लोग हैं हर रेस के लोग हैं तो उनको अब इक्वल फ्रीडम मिल रहा है अब उनको इक्वालिटी मिल रही है कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है किसी का कोई पर्टिकुलर डोमिनेशन नहीं है कोई किसी को डोमिनेट नहीं करता सप्रेस नहीं करता कोई किसी की वजह से ओप्रेस नहीं हो रहा है सब फ्रीली हैं सबके पास राइट ऑफ फ्रीडम है ठीक है तो इस तरीके से अब आप देख सकते हैं कितना डिफरेंस क्रिएट हो चुका है बिफोर uh, फ्रीडम और आफ्टर फ्रीडम के सीन में सेम अपन इंडिया की बात करें तो इंडिया में भी अपने को कहीं ना कहीं ये चीज़ लगती है बिफोर नाइनटीन हंड्रेड एंड फोर्टी सेवन क्या सीनरी रहा होगा दो वी आर नॉट विटनेस्ट पर अपने जो एनसिस्टर्स थे वो इस चीज़ को विटनेस कर चुके थे उन्होंने ये डिफरेंस देखा था बिफोर एंड आफ्टर वाला तो अब जब भी हम ऐसी कोई बुक पढ़ते हैं तो हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं हम उस चीज़ को रिलेट कर सकते हैं अभी जो साउथ अफ्रीका का जो सीन चल रहा है अपनी आँखों के सामने अपन उसको इजीली इमेजिन कर सकते हैं रिलेट कर सकते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं अपने एनसेस्टर्स भी इन सारी चीज़ों से रहे हैं ठीक है अब आगे देखते हैं दैट डे हैड कम अबाउट थ्रू द अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइजेस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ मनी माई पीपल अब ये जो दिन देखने को मिला है जो अनइमेजिनेबल या फिर एक बहुत ही बड़ा दिन हमारे सामने है ये दिन क्यों आया है जस्ट बिकॉज ऑफ ऑल दो सेक्रिफाइस जितने भी मेरे साथ के लोग थे उन्होंने सेक्रफाइस किया है उनके सेक्रफाइस की वजह से ही आज ये दिन हमारे सामने है ये गोल्डन डे हमारे सामने है ठीक है तो ऑबियस है वो इस चीज़ को एक तरीके से ग्रैटिट्यूड एक्सपोज कर रहे हैं ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस कर रहे हैं अपने उन सारे आ, फ्रीडम फाइटर्स के लिए जिन्होंने अपनी जान दे दी जस्ट बिकॉज टू अर्न द फ्रीडम टू अर्न द फ्रीडम फॉर देयर ओन नेशन ठीक है पीपल हु सफरिंग एंड करेज कैन नेवर बी काउंटेड ऑन और रिपीट और उन लोगों का जो करेज था उन लोगों का जो सफरिंग थी उनका जो स्ट्रगल था वो उसको कभी भी रीपे नहीं किया जा सकता वो हमेशा एक कर्ज रहेगा उस नेशन के शोल्डर्स पे ठीक है आई फैल दैट डे एज़ आई हैव ऑन सो मेनी अदर डेज आई हैव ऑन सो मेनी अदर डेज आई फैल दैट डे मतलब मुझे ऐसा ऐसा फील मुझे सिर्फ आज नहीं हो रहा है हमेशा होता दैट आई वॉज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियट पैट्रियट्स हु हैड गॉन बिफोर मी कि मैं अब उन सारे जितने भी पैट्रियट्स थे जिन्होंने अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया फॉर द सेक ऑफ द नेशन मैं उनका सम हूँ दैट लॉन्ग एंड नॉबल लाइन एंडेड एंड नाउ बिगेन अगेन विद मी वो जो लॉन्ग और एंडेड लाइफ थी लाइव थी या जिन पैट्रियोट्स की लाइन्स थी वो मेरे तक ख़त्म हुई और अब जो आगे की जनरेशन है वो मुझसे शुरू हो चुकी है सो आई वॉज़ पेंट दैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक दैम अब नैलसन मंडेला को इस चीज़ का दुख है कि वो कभी भी उनकी उनको उनके सामने ये एक्सप्रेस नहीं कर पाए उनको थैंक यू नहीं बोल पाए उनको उनके सामने ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस नहीं कर पाए एंड दैट दे वर नाट एबल टू सी वॉट देर सेक्रीफाइज हैट रॉट और अब तो वो लोग शायद जानते भी नहीं हैं वो दूसरी दुनिया में जा चुके हैं तो अब तो वो जानते भी नहीं हैं कि एग्जैक्टली exactly उनके इतने बड़े सेक्रीफाइस की वजह से कितना बड़ा दिन आज हमें देखने को मिला ये दिन ये गोल्डन डे हमारी लाइफ में आया है जस्ट बिकॉज ऑफ देयर द पॉलिसी ऑफ अपार्थीड क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग वूड इन माय कंट्री एंड माय पीपल जो पॉलिसी थी अपार्थीड अपार्थीड जो पॉलिसी थी दैट इज द रेशल डिस्क्रिमिनेशन की जो पॉलिसी थी वो एक ऐसा लॉन्ग लास्टिंग वूंड है जिसको शायद वहाँ के लोग या कंट्री भूल नहीं पाएगी सेम एन इंडिया आप इस चीज़ को रिलेट कर सकते हो चाहे अपन कितना ही आगे बढ़ जाए चाहे कितनी सेंचुरीज क्रॉस हो जाए पर टिल 1947 1947 तक का जो फेज़ था या उसके बाद में भी बहुत सारी चीज़ें आई हैं तो वहाँ तक के फेस को शायद ही कोई ऐसा होगा जो भूल पाएगा शायद एक छोटे बच्चे से भी अगर हम पूछते हैं तो उससे भी कहीं ना कहीं पुराने अपने एंसेस्टर्स का कोई ना कोई सेक्रीफाइस याद ही होगा या किसी एक फ्रीडम फाइटर के बारे में तो पक्का याद होगा ठीक है तो अपन इमेजिन कर सकते हैं किस तरीके की सिचुएशन से वो गुज़रे होंगे क्या हुआ होगा उनके साथ ठीक है तो सेम नेल्सन मंडेला जो वो अपना एक्सपीरियंस अपने सामने शेयर कर रहे हैं all of us will spend many years if not generations recovering from that profound hurt साल गुजर जाएंगे जनरेशन भी गुजर सकती है पर शायद वो जो पेन था वो जो wound था उसको recover होने में बहुत टाइम लगेगा but the decades of operation and brutality had another unintended effect लेकिन जो brutality थी और उन लोगों की जो cruelty थी ऑपरेशन था उसका एक अन इंटेंडेड इफेक्ट जो था एंड दैट वॉज दैट इट प्रोड्यूस द ओलीवर टेम्बोज उनकी जो ब्रोटैलिटी इन ही या ऑपरेशन जो था इसके वजह से बहुत सारे ऐसे फ्रीडम फाइटर्स अराइज हुए यहाँ पर कुछ का नाम भी दे रखा है अपन पिक्चर्स के साथ देखते हैं जैसे ओलीवर टेम्बो वाटर सिसो चीफ लुथुली, यूसुफ डारैडो ब्राम फिशर रॉबर्ट सुबकॉ आई एम सो सॉरी अगर कोई प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक हो क्योंकि साउथ अफ्रीकन नेम है तो टंग पे प्रॉपर नहीं आ पा रहे होंगे शायद पर फिर भी आई ट्राइड टू रिसाइट ऑल दीज राइट सो दीज आर सम प्रोमिनेंट नेम्स इन द स्ट्रगल अगेंस्ट अपार थीड ये सारे वो प्रोमिनेंट नेम्स हैं जिन्होंने अपार थी ड्रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट में अपनी आवाज़ उठाई ऑल राइट लेटर ऑन करेज विजडम एंड जनरोसिटी दैट देर लाइक मेनी मे नेवर बी नोन अ कैन जो उनमें करेज था जो विजडम था जो जनरोसिटी थी वो शायद दोबारा हमें देखने को नहीं मिलेगी ठीक है उतनी देखने को नहीं मिलेगी इट रिक्वायर्स सच डेप्स ऑफ ऑपरेशन टू क्रिएट सच हाइट्स ऑफ कैरेक्टर पर हैप्स इट रिक्वायर्स सच डेप्स ऑफ ऑपरेशन टू क्रिएट सच हाइट्स ऑफ कैरेक्टर एक कैरेक्टर अपन भी जानते हैं एक बहुत पुरानी कहावत है कि पत्थर से मूर्त का बनती है जब उसमें बहुत सारे शेप्स दिए जाते हैं जब उसको बहुत सारी एक हथौड़े की मार खानी पड़ती है तो वैसे ही एक प्रॉपर कैरेक्टर का बिल्डअप कब होता है जब वो बहुत सारी या तो ठोकरे खाता है या बहुत सारे ऑपरेशंस को सहता है सप्रेशंस को सहता है डिस्क्रिमिनेशन को सह हर तरह की क्रैलिटी इन मतलब बहुत सारी स्ट्रगल्स को फेस करने के बाद ही एक रियल एक रियल कैरेक्टर का फेस सामने आता है ठीक है माई कंट्री इज़ रिच इन द मिनरल्स एंड जैम्स दैट लाई बेन इट्स बट आई हैव ऑलवेज नॉन दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इज इट्स पीपल अब वो बोलते हैं कि मेरी जो कंट्री है साउथ अफ्रीका इसकी जो सॉइल है वो फुल ऑफ मिनरल्स एंड जैम्स हैं लेकिन यहाँ के जो लोग हैं यहाँ के जो लोग हैं वो सबसे बड़ी यहाँ की वेल्थ है मिनरल्स और जैम्स तो है ही सॉइल में सॉइल तो फर्टाइल है ही पर यहाँ के जो लोग हैं वो ज़्यादा वेल्थ हैं फाइनर एंड श्यूअर दैन द प्योरेस्ट डायमंड यहाँ के जो लोगों का दिल है जो लोग हैं यहाँ के वो प्योर है डायमंड से भी ज़्यादा ठीक है इट इज़ फ्रॉम दीज कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ द करेज और ये जितने भी फ्रीडम फाइटर्स हैं इनके करेज की वजह से मैं आज जान पाया हूँ कि एग्जैक्टली करेज का मतलब क्या होता है टाइम एंड अग्ञान I have seen men and women risk and give their lives for an idea। मैंने आज उन सारे men और women को मेरे सामने देखा है मैं विटनेस वो सभी का जिन्होंने अपने आप को एक risk पे रखा है एक ऐसे idea पे जो अभी execute होने जा रहा है मतलब अभी just democratic जो party है वो launch हुई है जो democratic system है वो create होने जा रहा है और उस trust ट्रस्ट करना प्लस अपनी पूरी फेद उस पर दिखाना तो एक बहुत बड़ा रिस्क है आई हैव सीन मैन स्टैंड अप टू अटैक्स एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग शोइंग स्ट्रेंथ एंड रेजिलियस दैट डिफाइज द इमेजिनेशन अब वो क्या बोलते हैं देखा आई है मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो अटैक और टॉर्चर बिना किसी ब्रेक के करते हैं शोइंग स्ट्रेंथ एंड रेजिलियंस और अपनी स्ट्रेंथ और रेजिलियंस को शो करते हैं दैट डिफाइज द इमेजिनेशन जो कि इमेजिनेशन को डिफाई करती है आई लर्न दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फेयर मैंने ये सीखा है कि करेज का मतलब सिर्फ एब्सेंस ऑफ फेयर नहीं होता है कि आपको डर नहीं लगता इसलिए आप करेजियस हो नो बट दायम ओवर इट लेकिन करेज़ का असली मतलब होता है फ़ियर पे ट्रायम्फ पाना फेयर का मतलब ये नहीं करेज़ का मतलब ये नहीं होता है विदाउट फेयर विदाउट फेयर इज नॉट द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ करेज़ करेज़ का मतलब होता है द ट्रायम्फ ओवर फेयर वो यही कहता है ना अपन एक आ, स्प्राइट का जो एड आता है डर के आगे जीत तो उस डर को हराना ही एग्जैक्टली exactly एक करेज होता है द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु ड नॉट फील अ फ्रेड द ब्रे मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील अ फ्रेड एक ब्रे मैन वो नहीं होता है जिसको डर नहीं लगता है बट ही हु कॉन्स दैट फेयर लेकिन ब्रे मैन वो होता है जो कि उस फेयर को कॉन्ता है उस फेयर को जीतता है ठीक है नो वन इज बॉर्न हीटिंग अनादर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ अ स्किन और हिज बैकग्राउंड और हिज रिलीजन कोई भी ऐसा बच एक बच्चा जब पैदा होता है तो वो शुरू से किसी से नफरत नहीं करता शुरू से उसके मन में हेट नहीं होता है हेट नहीं होता है किसी से भी किसी के कलर की वजह से किसी से हेट नहीं करता वो बैकग्राउंड की वजह से हेट नहीं करता ना ही किसी के रिलीजन की वजह से हेट करता है पीपल मस्ट लर्न टू हेट बल्कि उन्हें सिखाया जाता है बाय इन्वायरमेंट वो कहते हैं ना अपन बच्चा जैसा देखता है वैसा ही सीखता है अगर आसपास की सराउंडिंग्स अगर उसको ऐसा करने पे फोर्स कर रही है तो हेट द पर्सन जस्ट बिकॉज ऑफ़ द स्किन कलर जस्ट बिकॉज ऑफ़ द बैकग्राउंड जस्ट बिकॉज ऑफ़ द रिलीजन तो वो वैसा ही सीखेगा तो हेट तो एक ऐसी चीज़ है जो कि वो सीखता है एंड इफ़ दे कैन लर्न टू हेट दे कैन बी टॉट टू लव लेकिन अगर उन्हें हेट की जगह अगर किसी से लव करना सिखाया जाए तो कितना सही है फॉर लव कम्स फ्राम मोर नैचुरली टू ह्यूमन हार्ट दैन इट्स ऑपोजिट जो लव है वो ह्यूमन हार्ट में नैचुरल होता है एक छोटा बच्चा जो होता है वो फुल ऑफ़ कंपेशन होता है फुल ऑफ अफैक्शन होता है एक छोटे बच्चे की तरफ देखना शायद वो आ, उसका सबसे बड़ा जो आनेमी होगा वो उसकी तरफ भी मुस्कुरा देता है हंस देता है उसकी तरफ भी चला जाता है क्योंकि इनोसेंट होता है ठीक है तो बच्चे में इनबिल्ट तो सिर्फ अफेक्शन होता है कंपैशन होता है जो हेटर वाली फीलिंग होती है ना वो क्रिएट की जाती है बाद में ठीक है तो जो नेचुरल फीलिंग है उसको बूस्ट करना ज़्यादा सही है रैदर देन उसको सिखाना कि तू इससे हेट कर और उससे हेट कर ठीक है इवन इन ग्रीमेस्ट टाइम्स एंड पीजन वेन माई कॉमरेड्स एंड आई वर पुश टू आर लिमिट्स आई वुड सी अ ग्लीमर of the humanity in one of the gods, perhaps just for a second, but it was enough to reassure me and keep me going. तो अब एग्जैक्टली इस चीज़ को वो विटनेस भी करते हैं जब उनको प्रिजन में डाला जाता है उनको और उनके साथियों को तब वहाँ पे उनको जब हर चीज़ के लिए लिमिट आउट कर दिया जाता है तो एक ह्यूमैनिटी का रिफ्लेक्शन हम कह सकते हैं वहाँ के एक गार्ड में उनको दिखा और वो जो ह्यूमैनिटी रिफ्लेक्शन था ना उस गार्ड में वही उनको आगे बढ़ने का सहारा मिल चुका था कि इंसान में इनबिल्टीट नहीं होती है इंसान में नेचुरली इंसान जो भी ह्यूमन होता है फुल ऑफ कंपैशन अफेक्शन और लव होता है वो तो एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से वो सीख जाता है टू हीट दिया ठीक है मैनस गुडनेस इज़ अ फ्लेम मैन की जो गुडनेस होती है वो एक फ्लेम की तरह होती है दैट कैन बी हिडन जिसे छुपाया जा सकता है बट नेवर एक्सटिंगविश लेकिन कभी उसे बुझाया नहीं जा सकता तो इंसान के अच्छाई सिर्फ़ एक फ्लेम की तरह होती है एक आगे ऐसे फ्लेम की तरह होती है जिसको एक बार के लिए आप छुपा सकते हो लेकिन उसे कभी भी बुझा नहीं सकते हो सो दिस इज़ आर अनोदर पार्ट अ सेकेंड और दोर्शन सेकंड ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर जिसमें हमने जाना कि नैलसन मंडेला के उस टाइम पे क्या माइंड में चल रहा था क्या सोच रहे थे अबाउट द जो भी मतलब वहाँ की मिलिट्री थी फोर्सेस थी उन्होंने करेज का भी यहाँ पे प्रॉपर डेफिनेशन दिया है सारी चीज़ उन्होंने लेबोरेटिवली डिस्कस की है आप यहाँ पे क्वेश्चन रीड आउट कर सकते हैं अगर आप एबल हैं इन क्वेश्चन का आंसर प्रॉपर देने में दैट मीन्स वट एवर आई टोट यू दर वे वॉज ऑल राइट जो तरीका था वो बिल्कुल सही था अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट्स के थ्रू आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं ठीक है व्हाट डू द मिलिट्री जनरल्स डू मिलिट्री जनरल्स क्या करते थे हाउ हैज़ देयर एटीट्यूड चेंज एंड वाई और उनका बाद में एटीट्यूड क्यों और किस तरीके से चेंज हो ठीक है वाई वर टू नेशनल एंथम्स दो नेशनल एंथम्स क्यों गाए गए थे क्यों प्ले हुए थे आपको अच्छे से पता है आप खुद से आंसर देने की कोशिश करें हाउ डज मंडेला डिस्क्राइब द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन हिज कंट्री इन द फर्स्ट डी केड एंड इन द फाइनल डी केड ऑफ द ट्वेंटी सेंचुरी जो डिफरेंस उन्होंने बताया था बिफोर फ्रीडम एंड आफ्टर फ्रीडम वो आपको यहाँ पर लैबरेट करना है वॉट डज करेज मीन टू मंडेला मंडेला के लिए एग्जैक्टली करेज का मतलब क्या था क्या है वच डज ही थिंक इज नेचुरल टू लव और टू हेट कौन सी इन दोनों में से चीज़ है जो नेचुरल है लव नेचुरल है या हेट नेचुरल है ठीक है सो दिस इज ऑल अबाउट आर पोर्शन सेकेंड ऑफ द चैप्टर लॉन्ग वॉक फॉर फ्रीडम बाय नेल्सन मंडेला ऑल राइट दैन सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो आगे के वीडियो के लिए आप वेट करें टिल तो टुमारो ऑल राइट इस चैप्टर को दोबारा रीड रीड करें अच्छे से फॉर्मर वीडियो भी अच्छे से देखें ये वाला भी अच्छे से देखें क्वेश्चन और शॉर्ट करने की कोशिश करें प्रॉब्लम हो तो कॉमेंट्स के थ्रू आप डायरेक्टली पूछ सकते हो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें आइकन को प्रेस करें ताकि आपको वीडियो का हर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे ऑल राइट दैन सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड फॉर लाइकिंग द वीडियो